सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो जितने डी टू सी ब्रांड है इंडिया में उनकी सेल तो काफी है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं हो पा रहा है, उतना अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। उसका एक जो सबसे मेन रीजन है, क्योंकि जो डी टू सी का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी उस चीज को लागू नहीं कर रही है। क्योंकि आप जितने भी ब्रांड उठा लो डी टू सी में, तो उनके एमआरपी को जब आप ऑफलाइन मार्केट से कंपेयर करते हो, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में किसी कंपनी को बहुत सारा मार्जिन प्रोवाइड कराना पड़ता है अपनी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, और जो डी टू सी का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम यही कहते हैं कि हमने सभी मिडलमैन को हटा दिया है बीच में से, लेकिन एक्चुअलिटी में वो बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिल पा रहा है। कोई प्रोडक्ट अगर ऑफलाइन मार्केट में 150 रुपए का मिल रहा है, तो जब आप किसी डी टू सी ब्रांड से उसको खरीदने जाते हैं तो वो आपको 350-400 रुपए के आसपास ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन अगर जो ओरिजिनल डी टू सी कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपने बीच में से मिडलमैन को हटा दिया है, लेकिन अगर आपने बीच में से मिडलमैन को हटा दिया है तो आपका जो 40-50% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पैसा या मार्जिन, वो आपके कंज्यूमर को मिलना चाहिए, वो बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। अगर ऑफलाइन वो चीज 150 रुपए की मिल रही है, तो ऑनलाइन वो चीज 60-70 रुपए की 80 रुपए की मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वहां से, वो सारा कॉस्ट वहां से हटा दिया। लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है इंडियन डी टू सी मार्केट में, वो प्रोडक्ट आपको स्टार्ट करना ही पड़ के जब आप ऑनलाइन किसी डी टू सी ब्रांड से लेने जाते हैं तो वो आपको 350-400 रुपए में पड़ता है। तो वो एक दो बार तो कंज्यूमर खरीद लेता है, क्योंकि जो कंज्यूमर की ऑनलाइन सेलिंग की हैबिट है वो वहां पे ज्यादा खर्च कर देता है, ऑफलाइन में इतना नहीं खर्च कर पाता। लेकिन क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद जो एस्टेब्लिश ब्रांड है मार्केट में वो उसी की तरह डाइवर्ट हो जाता है, दोबारा उन्हीं से खरीदना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसको बहुत सस्ते रेट में मिल रहे हैं। तो डी टू सी कॉन्सेप्ट में तभी एक अच्छा मेजर स्पेस बन सकता है जब आप एक्चुअल में जो डी टू सी कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करो।